हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं छोले भटूरे। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, तो हम बनाएंगे बहुत ही सरल तरीके से और झटपट। तो ये मैंने 250 ग्राम छोले लिए थे, जिनको मैंने भिगो के रख दिया है। इनको सुबह भिगोया था, तो मैं अभी दिन के 2 बज रहे हैं, तो मैं अभी इनको बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने 2 आलू लिए हैं, जिनका मैंने छिलका निकाल लिया है, और कुछ खड़े मसाले लिए हैं। छोले को मैंने अच्छे से धो लिया है, आलू को भी अच्छे से धो लिया है। इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी लगा के इनको उबलने के लिए रख देते हैं। इधर मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन सभी को मैंने तैयार कर लिया है, छील के काट के अच्छे से इनको बारीक मैंने काट लिया है। कढ़ाई मैंने रख दी है, कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लगाया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तो उसमें हमने प्याज डाल के रख दिया है भुनने के लिए, प्याज और हरी मिर्च। और इधर मैं लहसुन थोड़ा सा मैंने कूट के डाला है। इस तरह से लहसुन डालते तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। लहसुन प्याज हमारा भून चुका है, मसाले सारे हमारे भून गए हैं, तो मैंने साथ में टमाटर भी डाल दिए हैं काट के। तो इसमें मैंने कुछ खड़े सूखे मसाले डाले, सूखे पाउडर मसाले। तो हल्दी पाउडर डाला है, धनिया पाउडर डाला है मैंने, और लाल मिर्च पाउडर डाला है, और नमक डाला है स्वाद अनुसार। तो सभी मसालों में मिक्स कर लेते हैं ये मसाले। और इधर मैंने देखे कि चने और आलू दोनों उबल चुके हैं, मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो हम चने और आलू को भी डाल देते हैं कढ़ाई में, साथ में सारा पानी के साथ ही डालेंगे। और इधर ये देखिए फ्रेंड्स, ये बनके तैयार हो जाएंगे 10 से 20 मिनट में। तो इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला। तो उधर सब्जी हमारी बन रही है, तो इधर हम छोले भटूरे के लिए आटा गूंद लेते हैं, मैदा लगाते हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा आटा लिया है 1 कटोरी, और 1 कटोरी मैंने मैदा लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा सोडा डाला है, बेकिंग पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा भटूरे बनके तैयार होते हैं। तो भटूरे को हम बना लेते हैं। ये देखिए आटा हमारा बनके तैयार हो गया है। आटा मैंने कुछ देर पहले मैंने गूंद के रखा था। ये देखिए बिल्कुल फूले फूले हमारे भटूरे बनके तैयार हुए हैं। तो इधर और भी हम सारे भटूरे बना लेते हैं फ्रेंड्स। इस तरह से आप बनाएंगे तो ये बहुत ही झटपट बनके तैयार हो जाते हैं, दोनों छोले और भटूरे। और इस तरह से हम सब बहुत ही मन भर के खा सकते हैं। और इधर मैंने सर्व कर दी है थाली छोले और भटूरे के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे बनके तैयार हुए हैं। तो कैसी लगी वीडियो तो कमेंट करके बताना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।